आप शिफ्टिंग ही देखे जा रहे हो। बट अभी 15th of January के बाद सारे जो फ्यूचर व्लॉग्स है वो यहीं से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यहीं से शुरू होंगे, यहीं पे खत्म होंगे। और पीछे जो सामान फैला हुआ देख रहे हैं इनकी मैं सॉर्टिंग कर चुका हूँ कि कौन सी चीज मेरे को कहाँ पे रखनी है। जो सारे कपड़े थे वो अभी मैंने एक जगह ही रख दिए, उनको बाद में मैं सॉर्ट करूंगा। तो अभी आप लोग मेरे हाथ में कुछ और चीज भी देख रहे होंगे, तो एक और मोटा खर्चा हो गया है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं पहले मैं इनको यूज़ करूँगा। देखो बेसिकली क्या है, अपने को टशनबाजी की बिल्कुल भी आदत नहीं है। जब मैं इनको यूज़ करूँगा तब मेरे को समझ में आएगा कि हाँ अच्छे प्रोडक्ट है, तब आप लोगों को बताऊँगा कि कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या सारी चीज़ें। तो वो जब टाइम आएगा इनको रिवील करने का तब अपन रिवील करेंगे। बट ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अमेजिंग इन्वेस्टमेंट है मेरा। आने वाले टाइम पे आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैंने इन तीनों चीज़ पे ना क्यों पैसे इन्वेस्ट किए हैं। सो अभी जो मेन जो काम था ना इस घर में वो हो चुका है, वो था इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। जो इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन होता है वो सारा डन हो चुका है। एंड जैसलमेर का अभी ये अपडेट है कि हम लोग जैसलमेर जा रहे हैं, दिस इज फॉर श्योर, नेक्स्ट मंथ। अभी डेट वगैरह का कुछ थोड़ा लोचा चल रहा है क्योंकि कोविड के केसेस वापस थोड़े इंक्रीज होना चालू हो चुके हैं। बट जो इवेंट हो रहा है वहाँ पे सारी परमिशंस हैं उन लोगों के पास। जब हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो शायद कोविड टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें होंगी, पूरा सीन पक्का है। अभी देखते हैं मैं बाइक से जाऊँगा या किसी 4x4 व्हीकल में जाऊँगा। बाकी जैसा भी होगा ना इट्स बहुत ही अमेजिंग होगा। तो जब भी मैं गया हूँ ना जैसलमेर, हमेशा मैंने आप लोगों को रोड दिखाई है या फिर जो वहाँ पे ड्यून्स वगैरह थे वो दिखाए थे, लेकिन इस बार आप लोगों को बहुत सारी ऑफबीट लोकेशंस दिखाई जाएंगी क्योंकि हमारे पास वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे 4x4 व्हीकल्स होंगे। सो स्टे ट्यून फॉर जैसलमेर व्लॉग्स। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन पे ऑल कर लो। और जो पुराने भाई हैं जिन लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन पे ऑल नहीं कर रखा है जाके कर लो, नहीं तो आप लोगों को वीडियोस के बारे में पता नहीं लगेगा कि मेरी वीडियोस कब अपलोड हो रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि जब भी हम लोग जैसलमेर के लिए निकलेंगे ना सबसे पहले आप लोगों को मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करूंगा। कल संडे है, मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटी सी राइड करी जाए, बाइक चलाई जाए। बहुत दिन हो गए बाइक चलाए, क्योंकि थोड़ा बहुत काम वगैरह के अंदर बिजी चल रहा था। ऑफिस का भी सेटअप हो चुका है। बूम बूम बूम। आई थिंक अपने को थोड़ा स्लो होना पड़ेगा क्योंकि कई बार ना इस जगह पे ना PCR खड़ी रहती है। और अपने बाइक में बूम बूम तो आती नहीं है, फड़फड़ ही आती है भाई, तो बूम बूम तो खुद ही कर लेते हैं। हाउ आर यू माय फ्रेंड। दीवाने ट्रक वालों का यही होता है भाई, आगे पीछे इनको ये छोटी मोटी बाइक वाइक है ना भाई, ये ऑल्टो टाइप की गाड़ियां हो गई या बाइक हो गई, इनको दिखते ही नहीं, इनके टायर वाले इतने बड़े होते हैं भाई। जो रिंग रोड है आने वाले टाइम पे यहाँ पे ट्रैफिक कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ से पूरा एक ब्रिज बन रहा है जो कि इधर कनेक्ट होगा, जिससे क्या ट्रक वगैरह आगे नहीं जाएंगे, यू टर्न वगैरह नहीं लेना पड़ेगा इन लोगों को। इसका प्लान ऐसा है कि अपन ऐसी रोड पे चलेंगे थोड़ी सी जहाँ पे जैसलमेर वाली वाइब्स आए, क्योंकि उस वाले रूट पे मैं पहले भी गया हूँ तो मेरे को रूट वो काफ़ी अच्छा लगा था। ऑल दो वो स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे नहीं है। अगर मज़ा नहीं आया तो वापस अपन नेशनल हाईवे पर आ जाएंगे। वेल तो गाइज आप लोगों को मैंने पहले भी क्विक शिफ्टर के बारे में बताया था कि क्विक शिफ्टर कैसे काम करता है। 1250 GSA का भी दिखाया था, मेरी बाइक का भी दिखाया था। तो मैंने ये नहीं दिखाया था कि क्लच यूज़ करके जब अपन शिफ्ट करते तो कैसा पंच आता है और क्विक शिफ्टर यूज़ करते तो कैसा पंच आता है। तो इसी ब्लॉग में थोड़ा सा कवर कर देता हूँ जिससे आप लोगों को पता लगेगा कि क्विक शिफ्टर यूज़ करने में कितना मज़ा आता है। अभी मेरी बाइक चल रही है 4th गियर पे, एक डाउन शिफ्ट लिया मैंने, अभी अप शिफ्ट लेते हैं। और ये 4th, ये 5th, ये 6th। तो चलो जी अभी 3rd गियर पे आ चुके हैं, अभी है 6500 RPM। तो अभी किक शिफ्टर यूज़ करते हैं और देखते हैं कैसा फील होता है। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा फर्क तो दिखा होगा। वाह जी वाह, क्या वाइब्स है।
मचा ले धूम यूहू। भाई ये नहीं सोचा था कि इधर भी रेलवे क्रॉसिंग देखने को मिलेगी। तुम ट्रांसफॉर्मर्स जैसा लग रहा है यार ये तो। फोटो खींचो फोटो। भाई ट्रेन तो आ गई। इसके साथ फोटो खींच लो एक करके। मस्त है यार ये। कितने का आता, कितने का है ये? 3 करोड़ का भाई साहब। आप तो राजस्थान का ही जाए नहीं का यार, जयपुर का ही। मेरे को लगा जब तक रेलवे क्रॉसिंग खुलेगा टाइम पास कर लेता हूँ फोटो वोटो क्लिक करके। ओ भैया ये तो पूरा खुल गया देखियो। चलो जी रेलवे क्रॉसिंग भी खुल चुकी है। नागौर के लिए देखते हैं कहाँ पे कोई अच्छी जगह मिलती है बैठने के लिए, वहीं पे बैठ के चाय पियेंगे क्योंकि मस्त ठंड हो गई है अभी। अभी नागौर से 150 किलोमीटर पहले मैं रुक गया हूँ चाय वाय पीने, अभी वापस यहाँ से जयपुर चला जाऊँगा। अभी यहाँ पे ना ठंड बढ़ गई है, और एक चीज़ के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि लखनऊ से आने के बाद ना एक चीज़ देख के बहुत ही मज़ा आया मेरे को, मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि सही जगह इन्वेस्ट किया अपन ने। वो चीज़ है ये कि जब मैं घर आया एक ट्रैक्टर निकल गया। लास्ट वाले दिन ना बहुत ही भयंकर बारिश हुई थी, मैं भीगते हुए आया था और इसके अंदर एक स्लिप रखी थी टोल वाली। थैंक यू आंटी, इधर रख देगा बाइक पर, थैंक यू। तो ये जो स्लिप थी ना जो टोल पे मैंने दी थी लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, ये एकदम सेफ है, मतलब इस पर जो इंक वगैरह लगी है ना एकदम सही है। अगर ये ख़राब हो जाती ना तो मतलब समझ जाता है कि अंदर पानी गया हुआ है। फिलहाल के बात ऐसे ही, इस जैकेट के अंदर जब अपन राइड करेंगे ना तो बारिश के अंदर ये सारी जो कैश वगैरह हो गई या फिर कोई ऐसा फ़ोन वगैरह हो गया जो पानी वानी लग के ख़राब हो जाता है, वो सारी चीज़ें अपन इसके अंदर रख सकते हैं। अभी अपनी चाय आ चुकी है, चाय पी जाए। चलो जी, सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे इतनी ठंड होगी, मतलब चाय बन के आई और मैं पीने लगा ना उससे पहले तो ठंडी भी हो गई। तो मतलब सोच लो जैसलमेर में कितनी भयंकर ठंडी होगी अभी। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ यार, जैसलमेर बाइक से जाना चाहिए, 4x4 से जाना चाहिए या फिर दोनों चीज़ों को लेके जाएं। तो इस बाइक को अगर आप नॉर्मल स्पीड पे चलाते हो ना 80-90 तो अच्छा खासा माइलेज दे देती है भाई, 35-40 के अराउंड। ये वाला रूट लिया जाए क्या आज? ये बाइक बनी है एक्सप्लोर करने के लिए गाइस। सांबर का नाम जब सुनता हूँ ना अलग लेवल की खुशी आ जाती है। मैंने एक चीज नोट और करी, तो जैसे मैं अजमेर हाईवे पे आया था जो स्काई का जो कलर था ना एकदम ब्लू नहीं था, मैंने गोप्रो की फुटेज वगैरह चेक करी, और लेकिन जैसे मैं इस वाली रोड पे आया ना तो एकदम स्काई एकदम क्लियर दिख रहा था। बच्चे ना पोस बड़े खिला रहे हैं, क्यों ना पोस बड़े खाए जाएं। वाह यार तू तो हमारा दिन बना दियो यार, मजे आ गए। कौन से बाबा को प्रसाद है? बैरू जी। बैरू जी के हमारे धोख दीजिए यार, मजे आ गए। एक नंबर, ठंडी के अंदर गरम गरम पकोड़े मिल जाए वो भी दाल के और एक हलवे के साथ, तो भैरू बाबा की जय हो भैया। ये वहां पे तो एक छोटा सा तालाब दिख रहा है मेरे को, मस्त। बहुत ही सेक्सी, मैंने सोचा नहीं था इस साइड में भी कोई ब्रिज वगैरह। क्या व्यू आ रहा है। ओह
फाइनली आ गए अपन हाईवे पे और XUV700 चल रही है अपने आगे। XUV700 से याद आया कि मुदित की गाड़ी की अपडेट देना भूल गया आप लोगों को, क्योंकि मुदित की अभी शादी है इस महीने, इसलिए वो भी बिजी चल रहा है, मैं भी बिजी चल रहा था, वो खचा खच भर के जा रही हूँ। भाई ये निकला रॉकेट, ऐसा रॉकेट हम लोगों ने लखनऊ में भी देखा था एक स्कूटर पे। इंडिकेटर भी कुछ होता है मेरे भाई, इंडिकेटर इंडिकेटर देने का भी होता है, वो खराब हो रहा है तो ठीक करवाओ उसको भाई। हाँ सामने वालों में गलती मत निकाला, अगर आपकी गलती है गलती मानो, इंडिकेटर नहीं दे रहे यार तुम लोग, इंडिकेटर काम कर रहा है तुम्हारा तो ठीक करो मेरे दोस्तों, यार तुम किसी को मार मीर दोगे यार। हाँ अचानक से पूरी गाड़ी घुमा दी भाई, क्या अगर आप बचने की कोशिश करोगे ना भाई तो सामने वाला खुद घुस जाएगा आप में। सो बेसिकली हुआ क्या था, मैं ऐसे चल रहा था, वो सेकंड लेन से अचानक से बिना पीछे देखे पूरी गाड़ी मोड़ दी उसने, वो तो मेरी बाइक था, वो मेरी बाइक कम स्पीड पे थी, मैं इसी स्पीड पे चल रहा था इसलिए मेरी बाइक रुक गई, अगर मैं हाई स्पीड में होता ना तो भाई आज काम हो चुका होता। तो भाई आज की राइड यहीं पे समाप्त करते हैं, यहाँ पे मैं चाय पीने रुका था। तो भैया आप लोगों ने बोलेरो वालों का देखा ना, ये बोलेरो और ये ई रिक्शा जो ऑटो होते हैं ना भाई, इनसे बच के चला करो हाईवे पे, जब भी राइड कर रहे हो आप अकेले कर रहे हो या फैमिली के साथ कर रहे हो ना, तो इन लोगों का स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि देखो इन लोगों का कुछ नहीं जाता है, इन लोगों की बड़ी गाड़ी नुकसान अपने हो जाएगा, अपने लग जाएगी फालतू में। के साथ ना मेरे को पता नहीं एक और चीज़ शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इस वीडियो में, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन हुआ है ना, तो जो कनेक्शन जो करने आए थे ना, कनेक्शन करने आए थे ना उन लोगों ने फिर लास्ट मैंने एक ऐसी चीज़ कर दी, उससे ना दिल दुख गया, उन्होंने बोला भैया मिठाई के पैसे। तो भैया देखो गवर्नमेंट उनको ऑलरेडी इतना पैसा दे रही है, इतनी अच्छी सैलरी दे रही है, फिर भी उन लोगों का ना पता नहीं क्यों मन नहीं भरता है, तो इसमें गलती उन लोगों की नहीं है, आदत अपन ने ही बिगाड़ी है। तो मेक श्योर जब भी कभी ऐसे लोग आए ना आपसे कोई पैसे मांगे, आपको लगता है कि जेन्युइन है देने चाहिए ना, तभी दो, अननेसेसरी किसी की आदत मत बिगाड़ो, बाकी आप लोगों की मर्जी, आपका पैसा है जिसको देना है, जिसको खुश करना आप अपनी खुशी से दे रहे हो दैट इज़ फाइन, बट अननेसेसरी मत दो, क्योंकि उससे ना दूसरे लोगों पे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उन लोगों की एक्सपेक्टेशन वही हो जाती है कि वहाँ पे पैसे मिले थे तो दूसरी जगह से भी मिलेंगे, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता ना भाई कि कौन इंसान कैसे सिचुएशन से अभी निकल रहा है। तो चलो अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज, आई होप आप लोगों को आज का शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो ना सब्सक्राइब किए तो जाना ही नहीं है, अभी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय, राइड सेफ।